चूरू जिले की बीदासर तहसील की राजकीय गोवर्धन प्रसाद टांटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था व डॉक्टरों के रिक्त पद के चलते कस्बे वासियों को सोनोग्राफी व एक्सरे जैसी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। अस्पताल की ऐसी अवस्था को लेकर अस्पताल के आगे पार्षद बेगराज नाई के समर्थन में कस्बे वासियों का धरना पिछले 80 दिनों से चल रहा है। वह कस्बे वासियों द्वारा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर SDM श्योराम वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया व SDM कार्यालय के आगे जमकर प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आज ये किस लिए ज्ञापन दिया जा रहा है और प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है यहाँ पे? आज विद्यासर तहसील मुख्यालय पे नौजवानों और आमजन विद्यासर प्रशासन के खिलाफ जिस प्रकार से तहसील मुख्यालय के अंदर लंबे समय से आम जनता और नागरिक परेशान हो रहे और प्रशासन पूरी लापरवाही के साथ में तहसील के अंदर लाल फीताशाही चला रहे, उसके खिलाफ नौजवानों ने और आम नागरिक ने यहाँ एकजुट होकर विद्यासर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है। और हमारी मांग है कि किस प्रकार से आज लंबे समय से विद्यासर के अंदर जो टांटिया हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के अंदर 80 दिनों से धरना चल रहा है और जो चूरू जिले का CMHO है वो CMHO इस विद्यासर के अंदर हजारों बार ऐसी घटनाएं घट गई जब जोड़ा छाप डॉक्टरों के हाथों से बहन बेटी और महिलाओं की मौत हो गई और अवैध रूप से गर्भपात इस विद्यासर के अंदर आम बात बन चुका है। कई बार CMHO को इसके बारे में जानकारी दे दी जा चुकी है लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के साथ में और अवैध जोड़ा छाप डॉक्टरों के साथ में जो चिकित्सा के जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से पूरा विद्यासर शर्मनाक है। पिछले 80 दिनों से जो धरना विद्यासर के अंदर चल रहा है वहाँ पर हमारे जो काबीना मंत्री राजस्थान सरकार के अंदर है, BJP के नेता भी रामेश्वर भाटी, खेमाराम जी मेघवाल और तमाम जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर आए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धरने पर आए और कहा 5 दिन में तुम्हारा करा दूंगा, 10 दिन में करा दूंगा। आज विद्यासर की बहन बेटी अगर उसको गर्भावस्था के अंदर है, अगर वो जच्चा बच्चा स्वस्थ पैदा करना चाहती है तो उसको सुजानगढ़ और लाडनू जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में 20-30 हजार रुपए देने पड़ते हैं। और ये बड़ी शर्म की बात है कि जिस अंचल से चुनाव विधायक सामाजिक न्याय अधिकारी का मंत्री होता है उस अंचल के विधायक के उसकी विधानसभा के अंदर आज महिला और चिकित्सा के जो उनके नारी शक्ति के सम्मान के लिए जो डॉक्टर चाहिए वो डॉक्टर नहीं है, एक साधारण किसी भी रोग के विशेषज्ञ यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। नेताओं ने सिर्फ हॉस्पिटल को अपना मुद्दा बना के रखा है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या BJP की, दोनों नेता मिले हुए हैं, उन्होंने विद्यासर को और हॉस्पिटल को विकास से दूर रखा है। यहाँ के धनाढ्य लोगों ने और सेठ साहूकारों ने टांटिया हॉस्पिटल जैसा बड़ा अस्पताल परिसर बनाकर विद्यासर को सौगात दी लेकिन नेताओं की टांग खींचे चलते उनके कारण यहाँ पर चिकित्सक का अभाव है और महिला और नारी शक्ति इसका अभाव, उसके साथ में गंभीर दुर्घटना होने वाले लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको सुजानगढ़, लाडनू, नागौर और बीकानेर जाना पड़ता है। इससे बड़ा अंचल के लिए शर्मसार और कोई नहीं हो सकती। अभी जो विद्यासर के अंदर जो घटना हुई पूरे राजस्थान के अंदर विद्यासर शर्मसार हो गया, किस प्रकार से 3 किलोमीटर तक नंगी और निर्वस्त्र होकर एक महिला को अपने मान सम्मान बचाने के लिए जाना पड़ा। प्रशासन ने पूरी लाल फीताशाही दिखाते हुए आनंद फानन के अंदर ऐसे निर्णय ले लिए। कोई कह रहे मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो पुलिस थाने की तरफ कैसे आई, सांडवा की तरफ तो नहीं गई? इस प्रकार के प्रशासन जो लाल फीताशाही और लिपापोती का काम कर रहे हैं और नौजवानों ने ठाने कि चाहे किसी भी सरकार की पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कांग्रेस का हो या BJP का, बड़े शर्म की बात है जहाँ पर प्रधान महिला है जिसको 30 हजार वोट लोगों ने आम जनता ने यहाँ चुन के दिया, चाहे घटनाएं चाहे कैसी भी हो जनप्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है कि पीड़ित के पास में जाए, अगर कहीं पर अतिक्रमण हटता है तो ये जरूरी नहीं कि अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर बिना कागज की जमीन पर बैठा है तो हो सकता है उसकी गलती हो लेकिन अगर अतिक्रमण हटे उसके घर को उजाड़ा जाए तो जनप्रतिनिधि की पहली जिम्मेदारी बनती है कि सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। महिला प्रधान होने के बावजूद एक बार भी उसने उस महिला का सम्मान और उस महिला की जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा। लोगों ने कह दिया कि वो लड़की तो महाराष्ट्र की है। मैं पूछना चाहता हूँ अगर विद्यासर की बहन बेटी महाराष्ट्र कलकत्ता और सूरत में रहती है तो क्या ये न्याय है कि वो वहां पर पीड़ित हो और सताई जाए? आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक पुलिस प्रशासन, SDM और विद्यासर का तहसील प्रशासन इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों के अंदर जागरूकता से और आम नागरिक की पहल को नहीं सुनेगा तब तक इस विद्यासर के अंदर रोज प्रतिरोध, विरोध प्रदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक हम हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं।
कि आपने कैबिनेट के अंदर मंत्री तो बढ़ा दिया यहाँ के विधायक को, लेकिन उनकी जो दादागिरी है और उनका जो रवैया है वो इस क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है।